इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं नेनुआ और चने की सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए हमने नेनुआ लिया है। इसके साइड्स को पहले हम काटेंगे, उसके बाद हम इसे छील लेंगे। नेनुआ को हमने छील लिया है, अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। सभी नेनुआ को हमने कट कर लिया है, अब हम सब्जी को कुकर में बनाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले कुकर में सरसों तेल डालेंगे और उसे गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम उसमें जीरा डालेंगे। उसके बाद हम इसमें कटा हुआ लहसुन डालेंगे। अब हमने दो मीडियम साइज के प्याज को पतले टुकड़ों में कट करके लिया है और दो हरी मिर्च लिया है, उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे और प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसमें हम एक कटोरी चना डालेंगे। चना को हमने रात भर पानी में भिगो के रखा था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कट किए हुए नेनुआ को डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 5 मिनट बाद ये देखिए नेनुआ जो है वो थोड़ा नरम हो गया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के 3 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। अब 3 सीटी आने तक पकाने के बाद अब हम कुकर के ढक्कन को खोलेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। नेनुआ और चने की सब्ज़ी को आप एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।